Hey guys, good morning and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I guess you all are doing good. मैं भी ठीक हूँ. आज का वेदर एकदम ग्लूमी है, बाहर फॉगी फॉगी है, बट ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है कोलकाता में, बिल्कुल भी नहीं. यू कैन सी सो इट्स टोटल फॉग आउटसाइड. गर्मी है कोलकाता में, ठंड का तो नामो निशानी है. मुझे पता नहीं और कहाँ क्या है, बट कोलकाता में इट्स वेरी हॉट 30, 31, 29 ऐसे टेम्परेचर्स हैं. सो आज का जो व्लॉग है इट्स अबाउट अ कुकिंग व्लॉग. मैं बहुत दिनों के बाद एक आइटम या एक डिश कह सकते हैं बनाने जा रही हूँ, दैट इज़ विथ फिश, जिसको बांग्ला में कहते हैं कातला माछ या फिर कातला फिश या फिर रोहू फिश बोलते हैं ना हिंदी में. हाँ, रोहू फिश. तो यूजुअली कातला माछ सभी को पता है बाय द टाइम कि बंगालीज ये रुई कातला ये सब बहुत खाते हैं. तो उसका एक प्रिपरेशन मैं बनाऊंगी, इसका बहुत टेस्टी बनने वाला है. सो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फ़िश ले लूँगी. फ़िश का जो पीसेस है वो बिना काटे वाला मतलब पीस लेना पड़ेगा. पीस कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ पहले. इसके लिए सबसे पहले ना ऐसे वाले पीसेस लेने हैं हमको जिसमें काटे बहुत कम हो. ये वाले पीसेस ऐसे लंबे लंबे कटे होने चाहिए. बहुत वेट का फिश होगा, एटलीस्ट 5-6 किलो का तो होगा ही. तो यहाँ पे टोटल 5-6 पीसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6-7 पीसेस हैं. तो ये सारे पीसेस को पहले ना हम लोग मैरिनेट करेंगे. मैरिनेट करने का मसाला मैं अभी बताऊँगी. इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा चाहिए पुदीने का पत्ता. मैंने यहाँ पे पत्ते को, पुदीने के पत्ते को सब मैंने अलग कर लिया. धनिया पत्ती को भी इतना सारा तो मैं नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा दूंगी क्योंकि इसे देना है. उसके बाद मुझे नींबू चाहिए होगा, थोड़ा सा मिर्ची एंड अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखी हूँ यहाँ पे. लाल मिर्ची जो है, ड्राई रेड लीव्स जो है उसके लिए उसका जो मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे रखा है. सो अब ना मैंने यहाँ पे ये कोरिएंडर लीव्स ले लिया, इसको कट करके मैंने पीसेस मतलब कट कर रही हूँ. कट करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैं डालूंगी. ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सभी को मैंने मतलब जार में डाल के सबको पेस्ट करना है. सो कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद फिर मिंट लीव्स मतलब ये पुदीना का पत्ता, फिर थोड़े से प्याज. थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं आप, लाइक हाफ, या फिर क्योंकि 6 पीसेस है ना, 6-7-8 पीसेस है, सॉरी 7-8 पीसेस है, तो हाफ प्याज डाल लीजिए. मिर्ची डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कितना आपको तीखा चाहिए तो आप 7-8 मिर्ची डाल लीजिए. एंड उसके बाद फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप बहुत अच्छे से पेस्ट कीजिए. सो अब ये फिश को ले लेंगे. फिश को ना आप ऐसे से एक फ्लैट या चौड़े से कोई पतीले में या बर्तन में आप लीजिए, ताकि जब आप मसाला इसके ऊपर स्प्रेड करें मसाला नीचे भी जाए, ऊपर भी लगे, बीच में भी लगे, बहुत अच्छे से जो फिश के जो पीसेस है वो डिप हो जाए उसके अंदर. कहने का मतलब ये है कि मतलब वो जो सारे खट्टापन है, जो तीखापन है, वो अंदर अच्छे से जाना चाहिए. तो मैंने एक ऐसे चौड़े से एक बर्तन में ले लिया है, पतीले में, फ्लैट एक पतीले में. उसके बाद जो मैंने मिक्सचर जो बनाया था उसको मैंने ऊपर से डाल दिया. इवेंटली बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए. अब इसमें ना धीरे धीरे मसाले ऐड करेंगे कुछ. पहले तो मैं अदरक लहसुन और जो सूखी मिर्ची मतलब ड्राई रेड चिली का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था उसको डालूंगी इसके अंदर. देन इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक या जिसको ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, तो वो डालेंगे. ब्लैक सॉल्ट में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. वाइट सॉल्ट के बजाय आप ब्लैक सॉल्ट डालिए. यूजुअली मैं अपने खाने में ना थोड़ा ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ये सब डालना पसंद करती हूँ, तो ब्लैक सॉल्ट डालिए, उसमें टेस्ट बहुत एनहेंस होता है. एंड देन थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए है, उतना तीखा तो होता नहीं है. बाकी तीखा तो मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मिर्ची मैंने बहुत ज़्यादा डाला है. आप अकॉर्डिंगली डालिएगा आपको जैसा पसंद है. तो लाल मिर्ची मैंने यहाँ पर डाल लिया, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला. बाकी जो मसाले से मैंने सब डाल लिया है. अब इसको क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पैट कर लेंगे और जो मसाला नीचे ज़्यादा लग गया है उसको लेके ऊपर डालेंगे. डाल के बहुत अच्छे से इसको पैट कर लेंगे पूरा ऑल ओवर. अब इसमें डालेंगे नींबू. नींबू मैंने यहाँ पे 2 लिया है, बहुत बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने 2 नींबू डाला है. ज़्यादा डालेंगे तो फिर कड़वापन आ जाएगा, तो वो खट्टा मीठा सा एक फ्लेवर होता है ना, उसके लिए नींबू डालना इसमें मस्ट है. आप इसमें चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, बहुत लोग विनेगर भी डालते हैं, चाहे तो आप डाल सकते हैं, बट नींबू का एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मुझे नींबू पसंद है इसलिए मैं नींबू डाल रही हूँ. यहाँ पे मैंने 2 नींबू डाला है, मतलब 4 पीसेस है. आप 4 पीसेस मतलब 4 टुकड़े जो है नींबू के रस को मिला लीजिए इसके साथ.
इसके बाद और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने लिया है बहुत लंबे लंबे मिर्ची हैं ये मिर्ची अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नॉर्मल मिर्ची से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मिर्ची को ना स्लिट करना है आपको, बीच से काटना है, थोड़ा सा चीरा लगाना है जिसको कहते हैं, स्लिट करके आपको इसके साथ भिंगोना है। ये जो मसाला है मसाले के साथ आपको इसको भिंगोना है। मुझे तीखा बहुत पसंद है, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे तीखा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8-10 मिर्ची डाल ही लिया। पता नहीं तीखा होगा कि नहीं, यूजुअली तीखा होता है, बट इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची, लंबी लंबी मिर्ची, इतनी ज़्यादा तीखा तो होता नहीं, इसलिए मुझे लगा कि कम तीखा लगेगा, तो इसलिए मैंने 8-10 मिर्ची तो डाल ही लिया। इसके पहले पेस्ट मैंने तो डाल ही लिया था, कम से कम 7-8 मिर्ची डाली थी, वो वाली छोटी छोटी थी साइज़ में, वो बहुत ज़्यादा तीखा होती है, बिकॉज मैंने जब जार को खोला था बहुत ज़्यादा एक पंजन सा स्मेल आ रहा था, तो ये यहाँ पे मैंने ये वाला मिर्ची डाली। अब इसको इसके अंदर फिर पूरा अच्छे से डिप कर देंगे, इसको भी अंदर से घुसा लेंगे, मतलब बहुत अच्छे से अंदर अंदर प्रेस कर लेंगे ताकि मिर्ची के अंदर भी मसाला पूरी तरीके से जाए। अब जो ग्रेवी बनेगी, ग्रेवी नहीं जिसको मसाला कहते, एकदम अचार जैसे बनेगा जो मसाला, उसके लिए यहाँ पे मेन चीज़ है प्याज। प्याज को आपको यहाँ पे डिप करके रखना है ताकि प्याज भी एट द सेम टाइम मैरिनेट हो जाए। प्याज में भी ना जब आप उसको निकाल के आप या पुलाव के साथ या राइस के साथ जिसके साथ भी आप खाएंगे, प्रिडोमिनेटली इसको आपको राइस के साथ ही खाना है, रोटी के साथ खाने वाली चीज़ नहीं है ये। तो प्याज को क्या करना है, प्याज का जो एकदम मतलब अचार टाइप का निकलेगा, तो उसके लिए प्याज को आपको मैरिनेट करना ही है। तो अब ये क्या करेंगे ना, हमें इसको पूरा प्याज को डाल दिया है, डालने के बाद अब इसको ढक के कम से कम 2 से 3 घंटे आप रख दीजिए रेस्ट के लिए एंड मैरिनेशन के लिए। ये हो गया, अब मैंने इसको कवर कर दिया, अब इसको मैं रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, ये रेस्ट में रहेगा। इन द मीनवाइल मैं अपना बाकी काम करूँगी। सो अभी हम लोग जो फिश है उसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। मस्टर्ड ऑयल फर्स्ट, एटलीस्ट 2-3 घंटे हो गए हैं, इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। सो मैंने इसको 2-3 घंटे मैरिनेट किया है, 2-3 घंटे इट्स ओके, 2 आवर्स मैरिनेट करने से ही हो जाता है। सो आप क्या करेंगे ना, पहले फिश को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे और प्याज और जो मिर्ची है उसको यहीं पे रहने देंगे, उसके बाद फिर जब ये सारे मतलब फिश जब हो जाए उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, अब ना हम फिश स्टार्ट करेंगे। सो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालेंगे तेल के ऊपर, फिश है तो बहुत ज़्यादा क्रैक होता है, तो इसलिए पहले हल्दी डालेंगे तेल के ऊपर एंड फिर आप मछली को देंगे। तो इससे क्या होता है ना, तेल ज़्यादा नहीं आता रहा। तो एक साइड हो गया है, थोड़ा सा ब्लैक होते तक में इसको थोड़ा फ्राई करना है, थोड़ा सा डार्क मैरून कलर होते तक ये ऐसे थोड़ा सा डार्क इसको करना पड़ेगा। वो वाला साइड भी ऐसे ही थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का हो जाएगा या चॉकलेट कलर जो भी हो, थोड़ा सा डार्क कलर होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो जो अदर पार्टी हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ना हार्ड होते तक इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा कुरकुरे जैसे हो जाए उस टाइप से। ये जो है ना मसाले के साथ मैंने ये मिर्ची और ये इसको रखा था, अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे क्योंकि ये मसाला बनेगा, इसके साथ ही आपको राइस को खाना है। पहले ये फ्राई हो जाए, ये फाइनली ये बन के रेडी है। थोड़ा सा ये ऐसे ही होता है रोस्टेड टाइप का, थोड़ा सा डार्क ऐसे ही आपको फ्राई करना है, थोड़े से करारे बनते हैं। सो ये बन गया, अब हम क्या करेंगे, ये मसाले को बनाएंगे। कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जो है ना, ये सारे मसाले को जो हमने मैरिनेट किया था ये पुदीना वगैरह के साथ, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑयल के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे बस। यही जो है ना ये मसाला बनेगा, इसी के साथ आपको राइस खानी है, ये राइस के साथ ही अच्छा लगेगा। पुलाव बना सकते हैं आप, फ्राइड राइस बना सकते हैं, कुछ भी, बट राइस आइटम के साथ ही ये आपको अच्छा लगने वाला है। फ्राई करना एकदम मसाला मसाला बनेगा, जैसे पाव भाजी मसाला बनता है ना एकदम पेस्ट जैसा, अचार जैसा, ये अचार टाइप का बनेगा।
जिसके साथ आपको राइस को लेना है। इसको फुल फ्लेम में ही करेंगे, नहीं तो फिर जो वो है ना, मतलब जो इसका ऑयल है या जो पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा फुल फ्लेम में करके ही करना पड़ेगा। सो गाइस ये बन के रेडी है। अब ये जो मसाला है ये बन गया है, अब इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे लाइक दिस। एंड गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता आप ऊपर से डाल लीजिए। ये बनके आपका रेडी है। जो मैरिनेटेड फिश है वो बनके रेडी है। आप इसको चावल के साथ खाइए, आप फ्राइड राइस के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए। ठंड में बहुत अच्छा लगता है। दो ठंड कोलकाता में है नहीं, बट जो कोलकाता से बाहर है अगर वो कोई देखता है मुझे, तो फिर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये वाली रेसिपी आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एंड मेरा जो लिंक है मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। रेगुलर मेरी रील्स आते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल।